कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी ताकत है, संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है। संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो रात दिन मेहनत की है, और विशेष रूप से चुनाव की जो 2 दिन पहले, 2 रात तक कोई सोया ही नहीं, इतनी मेहनत। मैंने पहले कितने भी चुनाव देखे, लेकिन अब की बार जो मेहनत की है वो लाजवाब थी। बहुत अच्छा लग रहा है, और जो अभी तक का जो रुझान आ रहा है, मैं समस्त झाबुआ जिले की जनता को जिन्होंने वोट किया उनको सर्वप्रथम तो धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, जो विधानसभा चुनाव 2023 का है, उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। और जो हम मानते हैं कि हर मतदाता को अपना वोट करना चाहिए, उन्होंने किया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके पश्चात मैं अपने सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। झाबुआ, थांदला, पेटलावा तीनों विधानसभा में हमारे जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत ताकत से मेहनत की। और दूसरी बात यह है कि जनता ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। कि आप ये समझ लीजिए कि जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकना है, और उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में वोट दिया। और निश्चित रूप से तीनों सीटें, झाबुआ, थांदला और पेटलावत, हम अच्छे भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सरकार का भी आंकड़ा देख लीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आपके सारे जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वो 130 प्लस के आ रहे हैं, और अच्छी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की। और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, झाबुआ से डॉक्टर विक्रांत बुरिया जी, थांदला से वीर सिंह बुरिया जी, पेटलाव से वाल सिंह मेड़ा जी, इन्होंने भी जबरदस्त संगठन के साथ तालमेल बिठा के और ताकत से चुनाव लड़ा। और हमारे कांग्रेस के विश्व पितामा आदरणीय श्री कांतिलाल जी भूरिया, जिनकी बीच में डेंगू होने से तबीयत भी खराब हुई, लेकिन उन्होंने अच्छा जबरदस्त किला लड़ाया। उनका जो हमारे लिए प्रेरणा है, उनकी जो हौसला उन्होंने हमको दिया, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। ये चुनाव मैं शुरू से कहता आया हूँ, ये मेरा चुनाव नहीं था, जनता का और कार्यकर्ताओं का चुनाव था, और हर एक कार्यकर्ता ने पूरी जान की बाजी लगा दी ये चुनाव जीतने के लिए। और जिस तरह का परिश्रम करा है, लड़ाई लड़ी है, जमीन पर लड़ाई लड़ी है, जबरदस्त सामने से भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, मारपीट भी हुई, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा मैदान नहीं छोड़ा। और ये उनकी ताकत है कि आज हम झाबुआ में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और पहली बार शहरी क्षेत्रों से कांग्रेस लीड लेगी, चाहे कल्याणपुरा हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे राणापुर हो, इन सब में हम लीड लेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से एक शहरी मतदाता, आम मतदाता भी इनसे जबरदस्त रुष्ट, और उन्होंने भी, शहरी मतदाताओं ने भी मन बना लिया था कि इस बार इनको जो भानु जनता पार्टी है, तो भानु के लोग, इनको बाहर का रास्ता दिखाना। अगर आज बीजेपी झाबुआ से हार रही है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, और उनके को नतमस्तक करता हूं मैं, क्योंकि ये उनकी ताकत है, उनका जो समर्पण है, जो कि इतने सालों बाद भी, 18 साल होने के बाद भी लगातार जमीन पर लड़े और जो लोहा लिया भाजपा से, ये उनकी ताकत है। और मैं उनको इस चीज के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और ऐसे कार्यकर्ता जब आपके पास हो, तो कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती, ये मेरा पूरा विश्वास है। सबसे बड़ी जीत यहाँ पर कांग्रेस की हो रही है। डॉक्टर विक्रांत भुरिया जो है, एक साफ सुथरी छवि के हैं, उनका जो कई सालों से, पिछले 8-10 सालों से उनका इस क्षेत्र में बहुत अच्छा जनसंपर्क रहा, हर कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, हर गांव-गांव के लोगों को वो पहचानते हैं, और कल्याणपुरा से लगा के बोरी तक, उसमें आगे आपका पिटोल, राणापुर, कुंदनपुर, सभी गांव आ गए, इस क्षेत्र के गांव आ गए, सभी ब्लॉकों के झाबुआ विधानसभा में कम से कम 35 से 40 हजार की लीड से हमारे डॉक्टर विक्रांत भुरिया जीत रहे हैं।